जींद के मनोहरपुर गांव में देर रात्रि बाबा साहिब अंबेडकर की मूर्ति को किया गया खंडित है। मूर्ति के बाजू को तोड़ा। मौके पर दलित समाज के लोगों का कहना है कि अगर दोषियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह सड़क जाम कर देंगे। जींद पुलिस के DSP और SHO मौके पर पहुंचे और फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ उनके द्वारा मामला दर्ज किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के मंदिर के प्रांगण में बाबा साहिब अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई है। इसको किसी शरारती तत्व के द्वारा रात्रि के समय खंडित किया गया है। जो यह घृणित कार्य किया गया है, यह समाज को पीड़ा पहुंचाने के लिए किया गया है। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि मनोहरपुर गांव में रविदास मंदिर के अंदर बाबा साहिब की मूर्ति खंडित की गई है। इस बारे में मामला दर्ज किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसा है भोला जी, जैसे ही ये हमारे इस मनोहरपुर गांव के मंदिर के प्रांगण में बाबा साहब अम्बेडकर की जी की स्टैचू जो है, इसको किसी शरारती तत्व के द्वारा रात में खंडित किया गया है। और जो ये घृणित कार्य किया गया है, ये बड़ा ही हमारे समाज को पीड़ा पहुंचाने के लिए किया गया है, ताकि जितनी ज़्यादा इन लोगों को पीड़ा दी जाए। क्योंकि आज इस देश में पीड़ा तो पहले ही है, कोई पानी पीने के नाम से मारा जा रहा है, कोई मूछ रखने के नाम से मारा जा रहा है, कोई शिक्षा के नाम से मारा जा रहा है, कोई अच्छे वस्त्र पहनने की वजह से मारा जा रहा है। आज हर प्रकार से हमारा समाज प्रताड़ित है। उसके बाद हमारे मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर की जो स्टैचू है, इसको खंडित किया गया है और इसको प्रशासन को खबर लग चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासन का बड़ा अधिकारी नुमाइंदा अभी तक नहीं आया है। लेकिन समाज के भी लोगों को अब धीरे धीरे पता लगने लग रहा है। और जैसे ही जब तक अगर प्रशासन ने इसमें देरी की, तो ये नहीं कि ये कितना बड़ा रूप ले सकता है। और मैं ये चाहूँगा कि समय रहते सरकार और प्रशासन अगर इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया,
ये बाबा साहब का नया स्टैचू, और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होती। तो किससे का स्टेप उठा जाएगा अगर ये, अभी हम इंतजार कर रहे हैं किसी प्रशासनिक अधिकारी का, अगर कोई आकर के हमारे को आश्वासन देता है या बात करता है या स्टैचू की बात करता है बदलने की, तो वो समाज के लोगों के बीच में करता आश्वासन देता है तो हम उस बात को सुनेंगे और सुनने के बाद विचार करेंगे। अगर नहीं कोई बात आती तो फिर हम चाहे सड़क पे जाना पड़े चाहे कहीं जाना पड़े, फिर हम पीछे नहीं हटेंगे इस बात से। आपका शुभ नाम? धर्मपाल सिंह, मारना में मेरा। मनोरपुर गांव में क्या मामला है पूरा? ऐसे है जी, मनोरपुर गांव की सूचना मिली थी रविदास मंदिर के अंदर किसी अज्ञात व्यक्ति ने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति को खंडित किया है, जिसके बारे में मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसको तलाश करके कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल जी किस लिए कार्रवाई की जाएगी? फिलहाल इन्होंने जो एप्लीकेशन दी उसके ऊपर एफ आई आर दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो क्या क्या तोड़ा गया है मूर्ति? उसको खंडित किया गया है, जो उसकी बाजू को तोड़ा गया है। तो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया? हाँ जी, उसको ट्रेस आउट किया जाएगा जी, और जल्दी जल्दी राउंड अप करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भाई दोस्तों, जिनने वीडियो नहीं देखी हो, वीडियो देख लो, नीचे फोटो होगी उसे क्लिक कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।